नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जानने वाले हैं। ये आपका एडिटोरियल है एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित। याद रखिए, आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र अक्सर विवाद में बना रहता है और कई बार चर्चा में इसी कारण ये बना रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताएंगे कि मैप में कि कहाँ है आपका आखिर एशिया प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, तो देखेंगे कि अभी किस संदर्भ में आर्टिकल यानी कि एडिटोरियल लिखा गया है। हिंद महासागर क्षेत्र की एक भौगोलिक स्थिति देखेंगे यानी कि कहां पड़ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की हमारे भारत की क्या भूमिका है उसको भी हम लोग देख लेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं समस्याएं हैं आपकी उन्हें भी हम लोग देखेंगे। हिंद प्रशांत रणनीति क्या है उसे भी देखेंगे। एक क्वाड की अवधारणा क्या है इसे भी हम लोग देख लेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या है हमारे लिए और सबके लिए उसे भी देखेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। और हिंद महासागर हिंद प्रशांत क्षेत्र का आपका पर्यावरणीय महत्व क्या है उसे भी देखेंगे। तो एक तरह से आपका हिंद महासागर है, उसके बाद आपका जो प्रशांत महासागर है उसी के बीच आपका हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोग मैप्स देख लीजिए एक बार। देखिए, ये आपका पूरा रीजन क्या कहलाता है, इंडो पैसिफिक यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र इस रीजन को। अब आप लोग इसे मैप में अच्छे से देखिए। देखिए, ये आपका एशिया, ठीक है, आपका हिंद महासागर है, ये आपका भारत है। देख लीजिए, भारत हिंद महासागर से लगा हुआ है। देखिए, ये आपका हिंद महासागर है। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं इस तरफ, तो ये आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, क्या है, प्रशांत महासागर लगा हुआ है। इसे ही आप लोग इस तरह से मैप में देखेंगे तो ये आपका रीजन ऑस्ट्रेलिया लग गया, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप और एशिया, इसी क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में संपूर्ण विश्व एक मूलभूत परिवर्तन से गुजर रहा है और इस परिवर्तन के साथ ही विश्व की पर्यावरणीय परिस्थितियां भी बदल रही हैं। इन परिवर्तनों से एशिया प्रशांत क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र इस प्रकार के परिवर्तनों का पहले भी साक्षी रहा है। जब इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया कहा गया, आज दुनिया भर के तमाम देश अपने अपने दस्तावेजों में आवश्यकता अनुसार इंडो पैसिफिक की व्याख्या कर रहे हैं। भौगोलिक तौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वरना आप लोग याद रखिए, प्रशांत महासागर आपका बहुत बड़ा है। देखिए, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर है, यहाँ आपका सीधा दक्षिणी अमेरिका तक और उत्तरी अमेरिका तक लगा हुआ है। सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर है, यानी कि जो जितना बड़ा होता है उतना ही शांत होता है, इसका मतलब है। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य के मुताबिक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों से मिलकर बने समुद्री क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी देखी जा रही है। आप लोगों ने अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग करंट से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि यमुना नदी की प्रदूषण की बात चल रही है कि उसमें बहुत कमी देखी जा रही है प्रदूषण में। गंगा नदी में इसी तरह की प्रदूषण की कमी देखी जा रही है जब से हमारा कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो कई जगह इसके लॉकडाउन के फायदे भी हुए हैं, पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदा हुआ है इससे, क्योंकि गाड़ियां बंद हैं आपकी तो प्रदूषण कब भी कम हो रहा है, उद्योग भी बंद हैं आपके। ठीक, जो समुद्री पारिस्थितिकी के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस समय जो प्लैंकटन्स की संख्या में हो रही गिरावट, कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में कमी भी देखी जा रही है। बात करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। अपने नाम के अनुसार ही हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन
प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर जो समुद्र का एक हिस्सा बनता है उसे हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं। याद रखिए, अगर कभी पूछ लेता है इंटरव्यू में कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो हिंद महासागर यानी कि इंडिया, हमारे भारत को हिंदुस्तान कहते थे तो उसी के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ गया। विशाल हिंद महासागर उपप्रशांत महासागर के सीधे जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक देश कहा जाता है। ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, इंडियन ओशन, वेस्ट वेस्टर्न एवं सेंट्रल पैसिफिक ओशन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर भी आता है। दक्षिण चीन सागर पर चीन कब्जा अपना दबदबा बनाता रहता है, इसलिए और अधिक चर्चा में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय भी चीन ने नहीं माना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए इसे अपनी भव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जाती रही है और अभी भी दी जा रही है। अब बात करते हैं आखिर इस क्षेत्र का, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका क्या है। आपने देखा होगा जैसे ही चीन वहां उत्पाद मचाता है तो अमेरिका भारत के नजदीक आने लगता है, तो सब अपने मतलब के ही दोस्ती करते हैं। कोई देश किसी के साथ, आज से आप लोग सोचिए, रूस हमारा कितना अच्छा दोस्त हुआ करता था भारत का। अब रूस से हमारी दूरियां बढ़ती जा रही हैं और उसकी जगह आपका अमेरिका पास आता जा रहा है, तो समय समय पर बदलते रहते हैं इस तरह के रिश्ते। ठीक, भारत क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहा, क्योंकि आपने देखी होगी भारत की स्थिति हिंद महासागर से लगी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, आसियान, जापान, कोरिया और वियतनाम के साथ भारत कई नौसैनिक अभ्यासों में शामिल हुआ है। भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, आर्थिक विकास और समुद्री सुरक्षा में भागीदारी के लिए इच्छुक है। भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे चीन को कठिन प्रतिस्पर्धा पेश करना चाहता है। इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव कुप्रीति संतुलित करने के लिए अमेरिका की मदद चाहता है। हिंद महासागर विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत गंभीर तथा इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने के साथ शांति, स्थिरता और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का पक्षधर है। इन सभी उद्देश्यों के साथ ही भारत एक नई मैरीटाइम सुरक्षा रणनीति भी विकसित कर रहा है। हाल ही में भारत अमेरिका तथा जापान के साथ नौसैनिक सैन्य अभ्यास इसी मैरीटाइम सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार विभिन्न देशों के साथ इस तरह के नौसैनिक अभ्यास के द्वारा भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा भागीदार बनना चाहता है। भारत अपनी ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशिया के देशों में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता, क्षेत्र में उड़ानों की स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन चीन की वजह से ये मुश्किल रहता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और जापान स्थायी बुनियादी ढांचे परियोजना के वित्त पोषण हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चीन के विपरीत भारत सदैव ही एकीकृत आसियान का हिमायती रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने आसियान में फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया है। ये वही रणनीति है जो अंग्रेजों ने भारत के लिए राज करने के लिए अपनाई हुई थी, फूट डालो और राज करो। बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष आखिर क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती चीन की उपस्थिति है। चीन अपने में वन बेल्ट वन रोड पहल के माध्यम से विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने को बदलने की दुनिया के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है। उसकी इस पहल का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना भी। चीन अपनी काल्पनिक नीति स्टैंग ऑफ
पायल के जरिए भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उदाहरण के लिए चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का प्रमुख भागीदार है। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने हम्मर टोटा पोर्ट को चीन के हाथों बेच दिया है। ये क्या करता है? चीन का एक काम है, जिस तरह आप लोगों ने साहूकारों को देखा होगा कि पहले उन्हें ऋण दे देते हैं, इतना ऋण दे देते हैं कि वो किसान उभर ही नहीं पाता है और वो अपनी जमीन बेचने लगता है। फिर जो सेठ होते हैं उनका ऋण चुकाने के लिए किसान क्या करता है, उन्हीं से ऋण लेने लगता है ऋण चुकाने के लिए। तो यही आपके चीन का हाल है। बांग्लादेश का चिट गांव पोर्ट भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां चीन की उपस्थिति मौजूद है। म्यांमार की सेतु परियोजना भी चीन की मोतियों की स्टिंग ऑफ पर्ल नीति का हिस्सा है। जिबूती में तैयार चीन के पहले विदेशी नौ सैनिक अड्डे और मालदीव के कई निर्जन द्वीपों पर उसके काबिज होने के बाद हिंद महासागर बीजिंग का भू सामरिक अखाड़ा बनता जा रहा है। आसियान के कुछ सदस्य देश चीन के प्रभाव में आसियान की एकजुटता के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। बीते थे यानी कि याद है, चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है और आसियान देश किसी भी स्थिति में उसे दरकिनार नहीं कर सकते। संभव है कि आसियान और चीन का यह समीकरण भारत तथा आसियान के समक्ष संबंधों को प्रभावित करे। बात करते हैं हिंद प्रशांत रणनीति की। हिंद प्रशांत रणनीति विगत काफी समय से चर्चा में है। अमेरिका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में बेहद भारत अमेरिकी सहयोग की हिमायत कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विधि सम्मत मुक्त व्यापार, मुक्त आवागमन और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त ढांचा बनाना इस रणनीति के मुख्य भाग है। इस रणनीति के मुख्य सूत्रधार अमेरिका, चीन, भारत और जापान है। अब बात करते हैं क्वाड की अवधारणा। क्वाड को स्वतंत्र और खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षित करने के लिए चार देशों के साथ साझा उद्देश्य के रूप में पहचाना जाता है। इस संकल्प के रूप में क्वाड का गठन 2007 में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिए किया गया था। याद रखना 2007 में। इसमें आपका भारत भी शामिल है, जापान भी और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। लगभग एक दशक तक निष्क्रिय रहे समूह को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया। क्वाड को नियम आधारित आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया था ताकि नेविगेशन एवं ओवन फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार, समुद्री सुरक्षा को सहयोग के मुख्य तत्व के रूप में पहचान मिली सके। इसमें आपसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी आपका शामिल किया गया। बात करते हैं, आखिर आपने देखा होगा जब विवाद रहता है हिंद किसी भी क्षेत्र पर विवाद रहता है तो उसका महत्व होता है, तभी तो लोग उस पर कब्जा करने के लिए उतारू होते हैं। अब जिसका कोई काम ही ना हो उस पर लोग कहाँ लड़ेंगे? आप सोच लीजिए, पहाड़ की जमीन पर कहाँ लड़ाई होगी? जब कहीं उपजाऊ जमीन हो या किसी अच्छी महंगी जमीन हो मकान बनाने के लिए, वहीं आपने देखा होगा अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसी में आपका कुछ महत्व तो होगा हिंद प्रशांत क्षेत्र का। तो इसका आर्थिक महत्व क्या है उसे देखते हैं। वर्तमान में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं जो विश्व के 70 क्षेत्र का 44% विश्व की कुल आबादी का 65% और विश्व की कुल जीडीपी का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देता है। याद रखिए, यह तथ्य स्पष्ट है कि इसमें उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी घटक मौजूद हैं आपके। इस क्षेत्र में भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी जोर पकड़ रही है जिसमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्च और नौसैनिक क्षमताएं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक महत्व।
हिंद प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में भू राजनीतिक रूप से विश्व की विभिन्न शक्तियों के मध्य कूटनीतिक एवं संघर्ष का नया मंच बन चुका है। साथ ही यह क्षेत्र अपनी अवस्थिति के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वर्तमान में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यह आसियान के क्षेत्र तथा चीन के मध्य लगातार व्यापार चलता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र मलक्का का जल डमरू इंडोनेशिया के पास स्थित यह जल डमरू रणनीतिक एवं व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ग्वाइन आइलैंड मार्शल आइलैंड रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लाल सागर अदन की खाड़ी फारस की खाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से भारत का तेल व्यापार होता है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सेशल्स और मालदीव भी इसी क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र का पर्यावरणीय महत्व क्या है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित 38 देशों के निवासियों के लिए आजीविका का भी स्रोत है। यहाँ के लोग मत्स्य पालन और अन्य समुद्री संसाधनों के उपयोग के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि जीवन गुजार रहे हैं। विदित है कि वर्तमान में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। आपके परिणाम स्वरूप मालवाहक जहाजों के द्वारा ऑयल वेस्ट के निपटान से समुद्री क्षेत्र का पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, जिससे समुद्री जीव जंतुओं की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है। वैश्विक महामारी COVID-19 यानी कि वायरस कोरोना वायरस के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति देश में औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिससे इन देशों से निकलने वाली नदियों में प्रदूषण की मात्रा कम हो रही है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में घोलित ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है। समुद्री पर्यावरण का संरक्षण सतत विकास लक्ष्य 14 के साथ समता प्रदर्शित करता है, जिसमें जलीय जीवों की सुरक्षा महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण उनके संभवनीय उपयोग का प्रावधान है। याद रखिए इन सतत विकास लक्ष्यों को आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष यानी कि निचोड़ क्या है इसका। हिंद प्रशांत क्षेत्र आर्थिक और राजनीतिक रूप से वैश्विक महत्व की केंद्र के रूप में उभर रहा है। यदि इस क्षेत्र के हितधारक एक खुले नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य नहीं करते तो सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती रहेगी, जिसका प्रभाव दुनिया भर पर पड़ना संभावित है। वर्तमान में जापान भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस सहयोग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तो ये थी आपकी पूरी कहानी एशिया प्रशांत क्षेत्र की। ठीक है।